हेलो सिर्बुस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो पिछले कल से यहाँ पे म्यूनिक में ये अक्टूबर फेस्ट शुरू हो गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फोक फेस्टिवल है। लगभग 6 मिलियन लोग आते हैं इसमें, और इतने ही 6 मिलियन लीटर के आसपास मतलब इसमें बियर मतलब पी जाती है लोगों द्वारा। तो अभी हम जा रहे हैं, आज सेकेंड डे है। तो जो फर्स्ट डे है वो बहुत मस्त होता है। मतलब हम भी थोड़ा लेट गए थे पिछले कल, तो उसमें एक बड़ी अच्छी परेड होती है जो ये बियर हाउसेज होते हैं ये करते हैं, जैसे मैक्सिमिलियन स्ट्रासे से शुरू करके ये थेरेजियन बीजे जहाँ पे ये फेस्ट होता है वहाँ तक ये बड़ी अच्छी परेड करते हैं। बहुत मज़ा आता है। मतलब सारे बियर हाउसेज ये घोड़ा गाड़ियों के साथ आते हैं, बहुत मस्त घोड़े होते हैं। तो जब हम पिछले कल उस फेस्ट में गए तो हम तो लेट गए थे, पर हमने वो मतलब जब वो घोड़े गाड़ियाँ वापस जा रहे थे तो हमने उनको देखा था, तो वो बहुत ही सुंदर घोड़ा गाड़ियाँ होती है। तो जो परेड है ओपनिंग डे की वो देखना मस्त है, बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद थोड़ा हमने जो ओपनिंग सेरेमनी है वो देखी थी, उसमें थोड़े बहुत पटाखे वगैरह फोड़े थे। और उसके बाद जो यहाँ के मेयर होते हैं वो बियर की ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, मतलब जो फर्स्ट बियर वो सर्व कर उनको सर्व की जाती है, वो बियर ओपन करते हैं फेस्टिवल की सारी। तो तब फेस्ट शुरू होता है मतलब पूरा। और उस फेस्टिवल में जब हम वो थोड़ी ओपनिंग सेरेमनी देख रहे थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा आसमान में एक हर्ट बनाया, बड़ा सुंदर मतलब। तो उससे ये पता चलता है कि कितना ग्रैंड फेस्टिवल होता है ये, तो बहुत ही मस्त। और आज हम अभी जा रहे हैं मतलब इस फेस्ट के लिए, अभी हम फिर से थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हम मतलब साथ में थोड़ा सा यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं वो पहन के जा रहे हैं। तो अगर आप ये देखो मतलब ये छोटी गुड़िया, तो इसने भी पहन रखा है ये डियरेंडल, और ये मैडम जी इन्होंने भी ये डियरेंडल पहन रखा है। और यहाँ पे मतलब हमने बहुत एक्सपेंसिव नहीं लिए हैं ये, इनका जो प्राइसेज है वो ईजिली, जैसे ये फ्रॉक्स ही हैं डियरेंडल, तो ये लगभग 300 यूरो तक की पहुँच जाती हैं ईजिली, 200 से 300 यूरो, और उससे भी कॉस्टली हो सकती हैं, पर हमने ये थोड़ी सस्ती ली हैं। तो देखने में ठीक है, 2-3 बार पहन के काम चल जाएगा, हमने उतना ही पहनना होता है मतलब 2-3 बार साल में, एक बार। तो अडल्ट्स के लिए ये वाली लिए, ये 50 यूरो की है। तो यहाँ पे जैसे पेप मॉल में एक न्यूयॉर्कर करके शॉप है तो वहाँ पे आराम से मिल जाती है, वहाँ पे आपको एक्सपेंसिव वाली शॉप्स भी मिलेंगी और सस्ते वाली में भी मिल जाएंगी मतलब। तो हमने जो पिछले सालों में भी इस फेस्ट की कुछ वीडियोस बनाई हैं तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और थोड़ा सा हम सारी ग्लिम्स आज भी देखेंगे इस फेस्टिवल की। वो बियर हाउसेज के अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो वो मतलब हम वहाँ बहुत भीड़ होती है, आप बच्चों के साथ वैसे भी नहीं जा सकते हो, तो वो वहाँ हम वैसे चले जाते हैं थोड़ा घूमने पर, बैठने बैठने का वहाँ नहीं बनता है मतलब बच्चों के साथ। तो अगर आप एडल्ट्स हो तो बढ़िया, वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है वो भी बियर हाउसेज के अंदर बैठ के, वहाँ बियर वगैरह और खाना पीना सब कुछ। तो जो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है डियरेंडल, इसमें अगर आप जो ये नॉट है ये जो कमर पे होता है इसको अगर आप राइट साइड में बांधो, जैसे कि ये अभी बांधा हुआ है, तो इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो। पर अगर आप जैसे सिंगल हो तो आप इसको दूसरी साइड बांधते हो, जो ये लेफ्ट साइड है इस तरफ को। तो इसके भी मीनिंग है मतलब जो ये नॉट है, ये इस छोटू ने भी जो ये गले में हर्ट डाल रखा है इसका भी, ये भी एक काफ़ी ट्रेडिशनल है। इसको लेव कुकिन हेरजन बोलते हैं यहाँ पे, इनको आप खा भी सकते हो मतलब, ये खाने वाले होते हैं वैसे, फैशन के लिए भी होते हैं थोड़ा सुंदर दिखने के लिए भी। तो जर्मनी के इस साउदर्न रीजन की मतलब एक और आदमियों की भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, मतलब जो उस ड्रेस को पहन के ये इस फेस्ट में जाते हैं या ट्रेडिशनल इवेंट्स में जाते हैं। तो जो आदमियों के लिए है ट्रेडिशनल, वो एक जैसे नॉर्मल जीन्स की निकर की जगह, शॉर्ट्स की जगह एक लेदर होजे बोलते हैं उसे, वो लेदर की एक निकर होती है, लेदर की एक शॉर्ट्स होती है। तो अभी तक तो मैं नहीं खरीद पाया हूँ, देखते हैं नेक्स्ट टाइम तक। तो ये जो फेस्ट है ये लगभग 16 दिन चलता है मतलब 2 वीक्स, तो ये सितंबर के लास्ट 10 डेज और अक्टूबर के शुरू के 6-7 दिन मतलब इस तरह से ही आता है। हर साल थोड़ी डिफरेंट होती है डेट्स, पर ऐसे ही रहता है कि सितंबर के लास्ट के 10 से 12 दिन कुछ ऐसे, और अक्टूबर के बिगिनिंग के थोड़े से दिन। तो इसमें बहुत ही क्रेजी राइड्स होती हैं मतलब बहुत ही, और कुछ बहुत बढ़िया हॉरर शोज़ के सेटअप, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। तो बहुत शोरगुल रहता है मतलब 2 वीक्स के लिए, और उसके अलावा खाना पीना वो सब रहता है। और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो टॉइफल्स राड, देखते हैं अगर हम आज उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो बेसिकली ये जो हर्ट शेप ब्रेड होता है वो जिंजर ब्रेड होता है, तो इसे खा भी सकते हैं मतलब गले में पहनने या घर में सजाने के अलावा। तो किसी दिन तो आपको जो ये बेबी स्ट्रॉलर है वो यहाँ पीछे रखना पड़ता है, मतलब ये जाने नहीं देते आगे, पर जैसे आज संडे है आज जाने दे रहे हैं, पिछले कल जैसे नहीं जाने दे रहे थे, तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जैसे लोग जा रहे हैं अंदर जाने दे रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जो बेबी स्ट्रॉलर है वो पीछे 5 यूरो देके छोड़ना पड़ता है।
बाकी एक खूब खर्चे वाली जगह है यहाँ पे, झूले वगैरह का मतलब खूब खर्चा होता है बच्चों के साथ। और जैसे अभी ये इसको ये बलून दिख गया, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 15 यूरो का। तो मतलब आओ यहाँ पे तो सब चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। ये हमारा मौत का कुआं है जो इंडिया में होता है, और ये यहाँ पे जो जर्मन में बोल रहा है आदमी, ये बता भी रहा है कि ये इंडियन स्पोर्ट है, मोटर स्पोर्ट है मौत का कुआं। और यहाँ पे मतलब कोई इंडियन तो नहीं है जो कर रहे हैं, पर ये जो एक भाई हैं इनका नाम जगन है, ये जो अभी ये थोड़ा डेमो करके दिखा रहे हैं लोगों को कि अंदर क्या होगा। तो ये भाई जो है वो श्रीलंका से हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये दोनों हैंड छोड़ के फिर मतलब उसके ऊपर खड़े होके ऐसे ऐसे सारे स्टंट्स करेंगे। तो सही है, मज़ा है, मतलब ये थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई भी करा है जो हमारा मौत का कुआं है उसको, थोड़ा सा इन्होंने डेकोरेट करा है थोड़ा अच्छे से। और इनकी जो बाइक्स हैं अगर आप देखो तो ये थोड़ी मस्त वाली हैं, ज़बरदस्त ले रखी है इन्होंने। और ये भाई की एनर्जी देखने वाली है, ये जो यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं सुपर है, मतलब बहुत सही से मतलब वो कर रहे हैं अट्रैक्ट लोगों को। Bis an die Zylinderkante mit 3 Motorrädern gleichzeitig. Das ist wirklich Action pur. Das ist für Jung, für Alt, für Männlein, für Weiblein, für Kinder bestens geeignet. Ihr schaut euch das wirklich hier an. तो इस तरह के यहाँ पे बड़े बड़े हॉरर शोज वाले सेटअप हैं, वर्चुअल रियलिटी वाले, पर जो ये बहुत बड़े सेटअप है जिनमें ये बहुत बड़ा बहुत तामझाम है, वहाँ पे ये जो एडल्ट्स हैं वो तो जा ही सकते हैं, पर जो किड्स हैं बच्चे हैं वो जैसे 130 सेंटीमीटर से ऊंचे होने चाहिए, मतलब वो ही जा सकते हैं 1.3 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले। तो जैसे छोटे बच्चे नहीं जा सकते, जैसे 4-5 साल के बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो ये वाले सेटअप मस्त है, मतलब यहाँ पे हमने भी एक ट्राई किया था पिछले का, जिसमें वो बच्चों के लिए तो थोड़ा मतलब ठीक था, पर बड़ों के लिए बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं थी मतलब उसमें। तो अभी हम ये थोड़ा फ्रेंच डिश खाने के लिए रुके हैं जिसका नाम है क्रेप, और आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये एक फ्रेंच डोसे की तरह है, जैसे डोसे की तरह इसकी बाहर की जो लेयर है वो बनती है। और ये दो तरह के फ्लेवर्स में हो सकता है, या तो ये मीठा होता है, जैसे अभी इन्होंने चॉकलेट डाल दी, न्यूटेला डाल दिया तो ये मीठा आएगा, और इसी में मतलब ये सॉल्टी भी होते हैं, तो इसके अंदर कुछ सैलेड डाल देते हैं या कुछ और फिलिंग होती है जिससे ये सॉल्टी बनता है। तो दोनों फ्लेवर में आता है, मीठा भी और नमकीन भी। और अगर आप देखो तो ये देखो ये थोड़ा डोसे की तरह ही है बाहर का, इसका बना हुआ बनाने के लिए भी बड़ा सा तवा है, और अंदर जो फिलिंग है वो सॉल्टी और मीठी दोनों हो जाती है इस तरह से। ये किसी का घोड़ा हवा में उड़ गया, मतलब इसमें वो हीलियम भरी हुई है तो ये छूट गया हाथ से, तो 15 यूरो का चूना लग गया किसी को। तो आज इस अक्टूबर फेस्ट का सेकेंड डे है, और सेकेंड डे में ये इवनिंग का टाइम है लगभग 4:15 का, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये झांकियाँ निकाल रहे हैं बैंड की, अलग अलग कोई फ्लूट के साथ कोई ड्रम्स के साथ, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अभी मैं चलते चलते एक ये बियर टेंट के अंदर आ गया हूँ, तो इन बियर टेंट के अंदर मतलब जो नज़ारा होता है मस्त, और ये पूरी तरह भरे रहते हैं, यहाँ कोई भी जगह नहीं होती है खाली, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जुड़ के लोग बैठे होते हैं बहुत, और ये बहुत ही बड़े बड़े टेंट हैं, और ये टेम्परेरी बनते हैं, इनको बनाने में भी लगभग 2 महीने लग जाते हैं।
तो बस अभी हम निकल रहे हैं अक्टूबर फेस्ट से बाहर, अभी लगभग 6 बज रहे हैं। वैसे तो ये जो अक्टूबर फेस्ट है ये रात के 12 बजे तक चलता है, तो असली मज़ा तो अभी शुरू होता है रात के टाइम में। रात के टाइम में और मतलब लाइटिंग वाइटिंग के साथ बहुत सुंदर हो जाता है ये। तो इसी के साथ हम ये आज का वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, चूज़।